हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक हैप्पी होली का क्रिएटिव एक डिज़ाइन बनाएंगे आपके कोरल ड्रॉ में। और मैं यहाँ पर कोरल ड्रॉ 2019 यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो कोई इशू नहीं है, आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर सीखना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी मैं यहाँ पर डिज़ाइन अभी जो बनाऊँगा, मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको साथ साथ बताता रहूँ। ये नहीं कि मैं एक काम करने, एक जैसे कि कोई ऑफिस में काम करता है और मैं आपके सामने डिज़ाइन बना दूँ और आपको कुछ समझ ना आए, कोशिश करूँगा कि आपको बताता चलूँ साथ ही साथ। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और डिज़ाइन शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से, आपको और आपके पूरी फैमिली को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो शुरू करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाने जा रहा हूँ वो मैं भी न्यू डिज़ाइन बनाऊँगा, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। हाँ, मैंने यहाँ पर कुछ जो अपना ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो मेरे वेक्टर्स हैं वो मैंने रखे हुए हैं, जो टैक्स हैं वो मैंने इसलिए पहले ही यहाँ पर रखा हुआ है कि मैं अगर वीडियो में आपके सामने एक एक चीज़ को यहाँ पर लेके आऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने कुछ जो अपना मेरा डिज़ाइन का जो मटेरियल है जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है वो पहले ही मैंने इसलिए रख लिया है, प्रैक्टिस नहीं किया है। न्यू डिज़ाइन बनाऊँगा आपके सामने, मुझे नहीं पता क्या बनाने वाला हूँ, कोशिश करेंगे अच्छा ही बनाएँ। आप भी यही करिएगा, थोड़ा समय लगा लीजिएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने है शुरू से। मैं आपको यही बात बोलूँगा, आप थोड़ा टाइम ज़रूर लगा दीजिए पर कोशिश करिए कि आप डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाएं, उससे आगे आपके हाथ में भी सफाई आएगी, आगे जाके आप अच्छा ही बनाएंगे, आपको एक आदत पड़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, मैंने कोरल आपको बताया 2019 यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक पेज लिया हुआ है और हमने एक यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है अपना जिसका साइज 10x10 इंच में है। तो वैसे इसका कोई भी मतलब इशू नहीं है क्योंकि एक सोशल मीडिया के लिए हम बना रहे हैं, एक डिज़ाइनिंग के लिए बना रहे हैं, कोई मुझे इस पर प्रिंट नहीं देना, तो साइज़ का कोई भी मतलब ऐसा इशू नहीं है। मैंने अंदाजे से लिया हुआ है, आप जिस साइज़ में रखना चाहें रख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, पहले मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ। आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे तो एक ग्रुप हो जाएगा। अभी हम इसको यहाँ सेंटर में रखते हैं। ये मैंने कुछ जो वेक्टर्स हैं जो अपने वहाँ से फ्री पिक्स जो साइट है वहाँ से डाउनलोड किए हुए हैं। कोशिश रहेगी, बताता चलूँ, अगर कुछ रह जाए तो उसके लिए सॉरी, बाकी कोशिश यही करूँगा कि आपको बताता रहूँ साइड में। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनर सीख रहे हैं, कोरल ड्रॉ सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आप इस चैनल से ही नहीं बल्कि किसी भी चैनल से अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर सीख रहे हैं तो साथ में साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अभी देखिए, ये जो है हमारा जो हैप्पी होली का जो टेक्स्ट है मैंने जो लिया हुआ है, अभी मैं इसको एक आउटलाइन देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना एक जो टूल है, मैं यहाँ से इसको आउटलाइन दूंगा। ये देख रहे हैं आप टूल, ड्रॉप शैडो टूल है जो, तो मैं इस पर देखिए, यहाँ पर आप अपना माउस लेके जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाला जो है टूल है ना, कंट्रा टूल, आप इसको सिलेक्ट करिएगा और यहाँ से इसको हम थोड़ी सी आउटलाइन देंगे, ये काफ़ी है। उसके बाद हम ले लेंगे अपना सिलेक्ट टूल और यहाँ से इसको कर देंगे ब्रेक। आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के करेंगे तो भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ से भी ब्रेक कर देता हूँ इसे। कोशिश करेंगे अच्छा ही बने। इसको मैंने वाइट कलर दिया। अभी हम इसको एक शेडो देंगे। हम फिर ज़्यादा दोबारा से ड्रॉप शेडो टूल में जाएंगे और हम यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम कर देंगे फ्लैट बॉटम राइट। ये देखिए हमारी शेडो आ गई है, हम इसको शेडो दे देंगे ताकि हमारा जो हैप्पी होली का जो टेक्स्ट है वो थोड़ा अच्छे से नज़र आए, जो दबा दबा सा ना लगे हमें। शेडो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए
अब ये थोड़ा देखिए काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, जूम कर लेता हूँ। कलर्स लेके आएंगे अपने, कलर्स के बिना तो काम चलने वाला भी नहीं है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा आपको। ये मैंने रखे हुए हैं, इनको मैं यहाँ लेके आता हूँ। देखिए प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने, अगर आप ये सोच रहे हो तो अभी मुझे भी नहीं पता क्या बनने वाला है क्या नहीं, पर मैं आपको जरूर कहूँगा आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आप सेम बनाने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आपको इस तरह के कुछ वेक्टर्स ना मिलें, बट लेकिन कुछ भी हो आप कोशिश कीजिएगा कुछ अलग ही हो, बट लेकिन आप अच्छा ही बनाएं। अभी देखिए कुछ हद तक ठीक लग रहा है, हम इनमें भी बॉटम में शेडो डाल देते हैं, अनग्रुप करेंगे यहाँ से, फिर शेडो लेंगे, ड्रॉप शेडो टूल लेंगे, अनग्रुप नहीं हुआ है, हम वन को सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप शेडो टूल लेंगे और हम इसके बॉटम में थोड़ी शेडो डाल देंगे। ये देखिए हमने शेडो लगा दिया है इस तरह से, थोड़ी सी और डार्क कर देते हैं। ये देखिए अब ये ऐसा लग रहा है हमें जैसे कि ये यहाँ पर रखा हुआ हो, पहले नहीं लग रहा था, यहाँ इतना दिखेगा नहीं यार, पर लेकिन फिर भी हमने यहाँ डाल दिया है। तो हम एक इसका भी कहीं यूज़ करके देखते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देखिए ठीक नहीं लग रहा है ये, मुझे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा आपको इसको एडिट एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ दो बार अपना माउस से क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए एडिट पावर क्लिप पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जब भी एडिट हो जाएगा। इस तरह से भी आप इसे एडिट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कंट्रोल के साथ एक बार बाहर माउस से क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब थोड़ा लग रहा है ठीक ही, इसको हम ग्रे कलर दे के देखते हैं। जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, टेक्स्ट मैटर रख देते हैं यहाँ पर, हमने जो टेक्स्ट लिया हुआ है अपना। थोड़ा सा इसको हम ट्रांसपेरेंसी देंगे, देखिए ट्रांसपेरेंसी टूल है, और यहाँ सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंसी देंगे, 35 कर देता हूँ, एंटर। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है,
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये आप ही का चैनल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस साइड रख के देखते हैं। देखिए आपको सेटिंग करके देखना होता है बार बार कि आपकी जो आप जो सेटिंग कर रहे हैं वो कहाँ पर जाकर आपको ठीक लग रही है। जब तक आपके मन को तसल्ली ना हो, जब तक आपको खुद को अच्छा ना लगे, तो फिर वो डिज़ाइन किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जब आपका मन बोले अंदर से हाँ ये अब डिज़ाइन अच्छा है, तो फिर देखिए अब काफ़ी हद तक देखिए मतलब थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। नीचे बॉटम में एक हम लाइन डाल देते हैं। मैंने रेक्टेंगल टूल लिया था, देख सकते हैं आप। इसमें एक कलर डाल देते हैं, यहीं से एक कलर ले लेता हूँ। देखिए ये भी अच्छा लग रहा है ना। कंट्रोल जेड, ये कलर हमारा नीचे आ गया। अभी हम देखते हैं एक बार। कॉपी कर ले, कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको कट करके बाहर निकाल देते हैं। यहाँ जी प्रेस करेंगे और हम इसे टू कलर देंगे। ये देखिए, देखा आपने, आप भी प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये ज़रूर कुछ ना कुछ बनाएंगे आप। पावर क्लिक कर देते हैं इनसाइड। और इसकी कॉपी कर लेते हैं। देखिए अब काफ़ी हद तक जो है हमारा डिज़ाइन जो है अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और बड़ा कर, तो देखा फ्रेंड्स आपने बन गया हमारा होली का डिज़ाइन। तो इस तरह से आप भी अपने कॉरिडोर के अंदर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करके आप कुछ भी बनाइए,
नेक्स्ट टाइम जरूर अच्छा बनेगा, फर्स्ट टाइम में नहीं बना हो सके आप फर्स्ट टाइम में भी अच्छा बना देंगे, फर्स्ट टाइम में ना बने तो निराश मत होइएगा, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, तो कोशिश जरूर कीजिएगा, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा। तो देखिए जो हमारा डिज़ाइन है बन चुका है आपके सामने, और हैप्पी होली का जो आज हमने कॉरिडोर के अंदर अपना डिज़ाइन बनाया था, तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और कुछ ना कुछ बनाइएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। कोई आपका सवाल हो ज़रूर कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, हो सकेगा तो आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैंने पहले ही बताया है ये आप ही का चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।